एवरीवन, दिवाली के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग हमें देख ही रहे होंगे। हम लोग निकलने वाले थे बिकॉज वो दिवाली दिवाली का है जिसमें मिठाइयाँ ना हो, तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो है मिठाई लाना। क्या कहते होंगे? हम जा रहे हैं मिठाई, और हमारी तो पूरी फैमिली स्वीट टूथ है ना, पेल के मिठाई खाई जाती है। तो हम लोग तो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लाइक दिवाली में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ तो आज की मिठाइयों के लिए। परम्स पे जो कि यहाँ का सबसे फेमस स्वीट शॉप है, सबसे फेमस और सबसे बड़ी, यहाँ हम तब से आ रहे हैं जब हम कॉलेज में थे। मिठाई हम लोगों ने ले ली है, बस घर की तरफ वापस निकल रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आए हैं। मिठाई तो मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है, आपको देख के लग रहा होगा। क्या अब उनको मिठाई खिलाने का शौक है? सारी टाइप की मिठाई लाएंगे, इवन चॉकलेट वाली मिठाई लेके आए। मैंने आपको कहा था ना मैं बहुत स्वीट टूथ हूँ, इवन सेम मेरी फैमिली के साथ भी सब बहुत मीठा खाते हैं ना। ये देखो आप, क्या बात है, क्या बात है, ये है चॉकलेट लड्डू। मिठाइयों की लाइन लगी हुई है। किटो आपने नहाया नहीं ना, गंदी बात है। हैंड वॉश भी नहीं किया इसने। आपने हैंड वॉश भी नहीं किया, आपकी पहली दिवाली थी ना आज। देख मुंह छुपा लिया इसने ना, मुंह छुपा लिया। एक तो नहाता नहीं है, ऊपर से मुंह छुपा लेता। देखो 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 आगे आगे आगे। और आज का दिन इवन कुकर महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ में ही बच पड़े ना वो। वैसे तो दिवाली के त्यौहार की तैयारी महीने भर और कह सकते हैं आप हफ्ते भर पहले से चालू हो जाती है और आखिरी मोमेंट तक चलती है, लेकिन जब बात की जाए दिवाली के दिन की तो आज के दिन क्या तैयारी होती है वो मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आज लक्ष्मी जी का, बोलते कि आज के दिन लक्ष्मी जी खुद आती है आपके घर पर चल के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके घर में साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन कीटो ने पूरा ठेका ले रखा है कि आज के दिन वो साफ सफाई नहीं छोड़ेगा ना। इवन आज के दिन वो जाके सोफे पे सुसु कर गया है। सॉरी जोक सपाट, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे कि हमारे मंदिर को सजाया जा रहा है। लाइटिंग का क्रेडिट जाता है डैडी को और विजय को, और उसके बाद अभी जो पीछे तैयारी चल रही है, मम्मी पूरे मंदिर को ना फूलों से सजा रही है और बहुत सारे दीपक लाए। क्या बना रहे हो आप? दीपक तैयार कर रहे हैं। दीपक तैयार कर रहे हो? देखो आपको दिखाता हूँ, इन्होंने कितने सारे दीपक तैयार किए हैं ना। वाओ मम्मी, कितने दीपक बनाए आपने? 60 दीपक बनाए। ये कहाँ कहाँ लगते हैं दीपक दिवाली के दिन? दिवाली के दिन में पूरे घर पे, घर में, बाहर गेटों पे, ऊपर टेरेस पे,
ओके okay. और यहाँ पे डैडी जी लगे हुए हैं पूजा के बर्तन साफ करने में। डैड सारे बर्तन चमका दिए आपने तो। भाई धूम मचा रहे देखते हैं। कंपटीशन चल रहा है। देखो निकल गया, रेड वाला जीत गया। गजब गजब क्या स्पीड है, वाह। ग्वालियर में लाइक धूम की शूटिंग पता है, ग्वालियर में डेली होती है यहाँ पे। जो यहाँ पे साइकिल भी चला रहा हुआ ना, वो भी धूम मचा रहा हुआ। तब वो रोड बहुत शानदार हुआ करता था, अभी उस ऑटो अभी रास्ते की हालत है। ये जगह है जहाँ पे हम ट्रिपलिंग करके आते थे। ये अभी ठीक हो गया मेरे ख्याल से, रोलर वगैरह चला इन दोनों नमूनों पूरा ब्लॉक कर। हम लोग मेला ग्राउंड आ चुके हैं और ये वो जगह है जहाँ पे हर साल हम लोग आते हैं पटाखे खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल्स लगती हैं। आप अभी जब मैं पीछे नीचे उतरूंगा तो आप देख ही लोगे, पीछे के साइड में पूरे एरिए में ना मस्त छोटी छोटी स्टॉल्स लगती हैं पटाखों की। तो बड़े फायर क्रैकर्स तो अलाउड नहीं है, तो हमारा आइडिया है कि कुछ ऐसे क्रैकर्स उठाएँ या कुछ ऐसे पटाखे उठाएँ जो रोशनी करते हो, जैसे कि चक्रियाँ हो गई, फुलझड़ियाँ हो गई, आपके अनार हो गए। और कोशिश करूँगा थोड़ा सा। मैं तो हैवी पटाखे उठाना चाहता हूँ, लेकिन अलाउड नहीं है, क्या कर सकते हैं। ग्वालियर में पढ़ते थे ना, तब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, हर साल आते थे यहाँ पे पटाखे खरीदने के लिए। अनार किस साइज में चाहिए? फुल साइज में चाहिए, ये फुल साइज लगे हुए हैं। मैं पढ़ने वाले नहीं है, ये फुल साइज है, ये घर का ही आइटम है। ये सीटी मारती है चरखी, ये सायरन वाली है, ये अनार है। ये अनार है, ये कैसा अनार है? ये यहाँ से खुलेगा, मल्टी कलर अनार है। यहाँ से खोलेंगे बाती निकलेगी, उसके बाद ये चलेगा, ये ब्लू कलर का निकलेगा। नॉर्मल शादी वाले के लिए सारा नॉर्मल है। ये निकाल दो, हाँ वही ये दो डिब्बी दे दो, एक काम करो भैया, मुझे तो ना वो छोटी वाली गन चाहिए। आशु मुझे छोटी वाली वो चिटपटी वाली गन चाहिए। बचपन में पटाखे चलाते थे, अब कहाँ चलाते हैं? डरते नहीं यार, अब रिस्पॉन्सिबल हो गए ना एनवायरनमेंट को लेके। मेरा नाम चंद्रभूषण बाथम आतिशबाजी। पूरे मेले ग्राउंड में बाथम आतिशबाजी की एक ही दुकान लगती है। भैया बढ़िया चलने चाहिए पटाखे आपके, ऐसा चले कि मैं बाद में तारीफ करूँ। बस ठीक है, हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे के लिए ना चिटपटी वाली बंदूक ले रहे हैं, बेचारा जब से घुसा है यहाँ पे तब से उसी के लिए डिमांड कर रहा है। मुझे मिल गई तेरे को? सही है, चिटपटी मिलेगी नहीं भाई, राउंड वाली मतलब वो सिंपल वाली भी लियो। सिंपल वाली भी ले, एक सिंपल वाली, एक नॉर्मल वाली, एक नॉर्मल वाली दो भैया, चिटपटी वाली। वो लालटेन है क्या अपने पास उड़ाने वाला? चाइनीज लैंटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चाइनीज लैंटर्न नहीं है भैया, बोले गारंटी ले रहा हूँ मैं, गारंटी नहीं उड़ा नहीं उड़ा नहीं को तो अपन अगर सही चलाएंगे तो। भैया गजब, कितनी? एक एक 2 रुपया।
स्काईलाइट के बिना तो मुझे दिवाली अधूरी है ना। एक ही बम दे दो। पिछले दो साल से ट्राई कर रहे हैं, एक ही बार उड़ा पाए। पांच वालों की छत पे गिरा देते, देखते हैं इस बार उड़ेगा कि नहीं। मुझे कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ ले लिया हमने, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया ना। सही, बिल्कुल सही टाइम पे है, क्योंकि इसके बाद ना अंधेरा हो गया था। पीछे देखो, कुछ ना शूट कर पाते ना कुछ बोल पाते, क्योंकि बहुत गंदी भीड़ हो रही है यहाँ पे। एरियल शॉट के चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, और मम्मी से ना जबरदस्त गाली पड़ने वाली, बिकॉज पूजा का टाइम हो चुका है। मम्मी से मैंने सामान पूछा था, पटाखे फूटे ना फूटे, हम लोग जरूर फूटने वाले, इसलिए इट्स बेटर कि दिवाली तो मनेगी, मतलब दिवाली तो मनेगी। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अगले पार्ट में आप और हम मिलकर ढेर सारे पटाखे चलाएंगे और दिवाली सेलिब्रेट करेंगे।